ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ रवि गुप्ता, TWI मेकाट्रॉनिक्स। आज हम लोग जानते हैं रोल ऑफ सुपरवाइजर के बारे में। सुपरवाइजर कौन होते हैं, क्या काम होता है, क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए सुपरवाइजर में, इसके बारे में एक एक करके हम लोग सीखते हैं। और कैसे काम करना चाहिए सुपरवाइजर को, रोल ऑफ सुपरवाइजर्स, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। सुपरवाइजर देखिए किसको कहते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग फैक्ट्री में, अलग अलग एरिया में सुपरवाइजर के अलग अलग नाम है। जैसे पहला फोरमैन, कहीं सुपरवाइजर को फोरमैन भी कहते हैं, बॉस कहते हैं, ओवरसियर बोलते हैं, फैसिलिटेटर कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, एरिया कोऑर्डिनेटर कहते हैं। देखिए सुपरवाइजर क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन है। देखिए, एन एम्प्लॉय इज अ सुपरवाइजर इफ ही शी हैज द पावर एंड अथॉरिटी टू डू द फॉलोइंग एक्शंस। पहला, गिव इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स टू सबॉर्डिनेट। जो अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन दे और ऑर्डर दे वो सुपरवाइजर कहलाता है। दूसरा क्या है, बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क एंड एक्शंस ऑफ अदर स्टाफ अंडर हिज कंट्रोल। जो अपने स्टाफ के द्वारा किए गए कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हो वो सुपरवाइजर होता है। मतलब कहने का कि जो भी उसके अंडर में स्टाफ है अगर वो काम कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर की होगी। सुपरवाइजर ये कह के नहीं बच सकता कि नहीं ये तो सर किसी ने काम किया, ये मेरा वर्कर ने काम किया इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, ऐसा नहीं। वो जो भी काम उसके अंडर में हो रहा है उस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर की होती है। आइए हम जाने सुपरवाइजर और मैनेजर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सुपरवाइजर डज नॉट टिपिकली हैव द हायर एंड फायर अथॉरिटी। मतलब सुपरवाइजर किसी को नियुक्त नहीं कर सकता या किसी को नौकरी से निकाल नहीं सकता, ये अथॉरिटी सुपरवाइजर के पास नहीं होती, जबकि मैनेजर्स के पास ये अथॉरिटी होती है। सुपरवाइजर डज नॉट हैव बजट ऑब्लिक फाइनेंशियल अथॉरिटी। एक और मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि सुपरवाइजर के पास फाइनेंशियल पावर नहीं होता, उनको फाइनेंशियल पावर नहीं दिया होता, जबकि मैनेजर्स को फाइनेंशियल पावर्स होते हैं। किसी सामान को परचेज करना हो या कोई बिल पास करना हो वो पावर जो है मैनेजर्स के पास होती है, वो अथॉरिटी मैनेजर्स को दी रहती है लेकिन सुपरवाइजर को वो पावर नहीं है। कहीं कहीं कुछ बहुत छोटी सी पावर के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है, वो भी मेरे ख्याल से शायद कहीं किसी जगह में स्पेशल एज ए स्पेशल कंडीशन अगर किया हो तो किया हो, नहीं तो और कहीं सुपरवाइजर को बजट और फाइनेंशियल की पावर अथॉरिटी नहीं होती। आइए देखते हैं ड्यूटीज ऑफ सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स की ड्यूटी क्या क्या होती है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे इस पर। सबसे पहला है जनरेट डिसिप्लिन। सुपरवाइजर जब भी कहीं काम करते हैं तो उनके अंडर में बहुत सारे स्टाफ होते हैं, उन स्टाफ को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो स्टाफ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सुपरवाइजर और डिसिप्लिन अपने आप से शुरू होता है। अगर सुपरवाइजर डिसिप्लिन में रहेगा तो उसके स्टाफ भी डिसिप्लिन में रहेंगे और काम कराना बहुत इजी हो जाएगा। अपने स्टाफ से कोई भी काम कराना हो अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं, जैसे टाइमली आते हैं, वेल ड्रेस्ड रहते हैं, सारे सेफ्टी गैजेट आप इस्तेमाल करते हैं तो आप दूसरे को भी टोक सकते हैं। आपके अंडर में जो भी स्टाफ है आप उनको बोल सकते हैं कि नहीं आप टाइम से आइए और
जो काम करना है उसको समय से काम पूरा करिए। तो जब आप, इसलिए सुपरवाइजर की ये सबसे प्राइम ड्यूटी है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखे। दूसरी ड्यूटी वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी सुपरवाइजर करता है, जो भी उसके स्टाफ हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि कौन सा स्टाफ मेरा किस काम के लिए किस काम में माहिर है, उसी हिसाब से वो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और करना चाहिए, क्योंकि आपको आउटपुट लेना है अपने स्टाफ से। अगर आपने गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट ड्यूटी है कि किस आदमी को कौन सा काम देना है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर वे में होना चाहिए, तभी सुपरवाइजर सक्सेस होता है। क्रिएट वर्किंग एनवायरनमेंट। वर्किंग एनवायरनमेंट, आपने एक बार उनको, अपने स्टाफ को काम दे दिया, काम देने के बाद अब उनको काम करने के लिए वो एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराना, ये भी काम सुपरवाइजर का है। जैसे कहीं किसी मशीन पे कोई वर्कर काम कर रहा है, अगर वहाँ पे लाइट नहीं है तो ये लाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइट, हर चीज़ की व्यवस्था करना सुपरवाइजर का काम है। वो ये नहीं कह सकता, नहीं नहीं तुम अपने से देखो फिर लाइट जलवा लो, जाओ चले जाओ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, लाइट अगर ब्रेक डाउन है तो उसको सही करा लो, ऐसा नहीं। प्रॉपर वे में आप सुपरवाइजर की ड्यूटी बनती है कि उसको वो सारे एनवायरमेंट, वर्किंग एनवायरमेंट, उसको जो भी काम कर रहे हैं वर्कर, उनको प्रोवाइड कराना, ड्यूटी सुपरवाइजर्स की है। मेक द रिक्वायर्ड फैसिलिटीज अवेलेबल, और जो भी फैसिलिटी स्टाफ को मिलती है वो प्रोवाइड कराना भी सुपरवाइजर की ड्यूटी है। अगर इस तरीके से आप, अगर उनको जो भी फैसिलिटी उनको मिलती है अगर आप प्रोवाइड कराएंगे, तो वर्कर आपकी बात बहुत आसानी से सुनेगा और आपको रेस्पेक्ट करेगा। शेड्यूल द वर्क। शेड्यूल द वर्क मतलब कौन सा काम कब कराना है, प्रायोरिटी डिसाइड करना, किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है, ये भी ड्यूटी सुपरवाइजर की होती है। मैन मैनेजमेंट। मैन मैनेजमेंट में क्या आता है कि आदमी को किस तरीके से, जो स्टाफ उनके कंट्रोल में है, तो कैसे उसका इस्तेमाल करना है, किसको कब कहाँ लगाना है, किसको छुट्टी देना है, किसको कब बुलाना है, ओवर टाइम में बुलाना है या बाद में बुलाना है, ये सारा मैनेजमेंट जो है, मैन मैनेजमेंट, ये डिपेंड करता है सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर की ड्यूटी है। वर्क क्वालिटी चेक। वर्क क्वालिटी चेक करना, जब कोई काम इस सुपरवाइजर के अंडर में हो रहा होता है उसको भी चेक करना, ये सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है। वो ये नहीं कह सकता, वो सुपरवाइजर ये कह के नहीं बच सकता कि नहीं ये तो काम इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का है या इंस्पेक्शन वालों का है, ये काम मेरा नहीं, क्वालिटी चेक करना। लेकिन जो भी प्रोडक्शन के सुपरवाइजर हैं उनका काम है कि वो अपना जो भी काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी चेक भी करना। कम्युनिकेशन लिंक। सुपरवाइजर टॉप मैनेजमेंट और बॉटम मैनेजमेंट के बीच की कड़ी होता है। जो भी टॉप से जो भी आदेश मिलते हैं या जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है उसको सही तरीके से बॉटम लाइन में पहुंचाना भी काम सुपरवाइजर का है। टीम लीडरशिप। ऑफ कोर्स सुपरवाइजर होता है वो अपना टीम का लीडर होता है, वो पूरे अपने टीम को लेकर के आगे बढ़ता है, काम जो भी मिला होता है उसको कराने के लिए वो का नेतृत्व करता है। ये टीम लीडरशिप की क्वालिटी भी सुपरवाइजर के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, प्लान टारगेट्स। टारगेट प्लान करना, जो भी टारगेट मिलता है उसको कैसे उसको अचीव करना है, इसके बारे में कौन सा काम कब कंप्लीट कराना है, ये सारी ड्यूटीज सुपरवाइजर की होती है। प्लान टारगेट्स, जो जूनियर सुपरवाइजर्स होते हैं वो मोस्टली एक या दो दिन का कोई अपना टारगेट बना करके उसको कंप्लीट करते हैं, सीनियर सुपरवाइजर एक हफ्ते तक का, मैनेजर्स महीने, दो महीना, तीन महीना, और सीनियर मैनेजर्स वगैरह साल साल भर के टारगेट्स उनके होते हैं, वो बना करके अचीव करते हैं।
मेक द टीम वर्क फॉर टारगेट. टारगेट जब बन जाता है, प्लान हो जाता है, तो अपने टीम को कैसे उस टारगेट को अचीव करना है, कैसे उस पर काम करना है, ये बताना, ये सिखाना भी सुपरवाइजर का ही काम होता है. अचीव टारगेट्स, और फाइनली उस टारगेट को अचीव करना है. कोई भी टारगेट ऐसा नहीं बनाया जाता जो कि अचीवेबल ना हो, और नहीं ना ही ऐसा कोई टारगेट बनाना चाहिए. टेक बेस्ट आउट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस. जो भी रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं, रिसोर्सेज मतलब, रिसोर्सेज का मतलब हुआ मैन, मशीन, मटेरियल, ये सारे रिसोर्सेज हैं. तो जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, उसका बेस्ट आपको, बेस्ट उसे आउटपुट लेना है. ये आप, बहुत से सुपरवाइजर्स ऐसे होते हैं कि उनको कभी हमेशा यही रोते रहते हैं कि अरे साहब ये मशीन ठीक नहीं है, जो हमको मटेरियल मिल रहा है वो ठीक नहीं है, या जो आदमी मेरे को जो मैन पावर दिया गया वो ठीक नहीं है. तो ये वो सुपरवाइजर अपने सक्सेस, कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होते और हमेशा फेलियर रहते हैं. इसलिए अगर बेस्ट सुपरवाइजर बनना है तो टेक बेस्ट आउट ऑफ अवेलेबल रिसोर्स. आपको जो भी रिसोर्स दिए गए आपको उसी में काम करना है. टेक केयर ऑफ स्टाफ, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है सुपरवाइजर की. इससे सुपरवाइजर्स को बहुत फायदा होता है कि अगर वो अपने स्टाफ की देखभाल करते हैं, केयर करते हैं स्टाफ को, ऑफिशियल लेवल पे हो या पर्सनल लेवल पे, तो स्टाफ भी उनका कहना मानता है. इससे स्टाफ मोटिवेट होता है काम करने में, उसका मोटिवेशन बढ़ता है. कोई भी काम अगर आप कहेंगे अपने स्टाफ को तो करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. प्रमोट गुड वर्क डन, जो भी अच्छा काम होते हैं, जो भी कोई अच्छा काम करता है तो उसको हमेशा सुपरवाइजर को अप्रिशिएट करना चाहिए और शाबाशी देनी चाहिए, जिससे स्टाफ मोटिवेट होता है और काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है. मोटिवेट स्टाफ, ये अपने आप में मोटिवेशन स्टाफ का एक अलग ही पूरा एक चैप्टर है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ आपको कि आप स्टाफ को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं. आइए देखते हैं. मोटिवेशन के लिए रिकॉग्नाइज ग्रेट वर्क. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय मोटिवेशन इज हाउ ऑफन देयर हार्ड वर्क इज रिकॉग्नाइज. मतलब कोई भी आदमी जब कोई काम करता है और अच्छा काम करता है तो उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए. वो ये अपेक्षा करता है कि शाबाशी की, उसको वो अपेक्षा करता है कि मुझे शाबाशी मिले. तो अगर आप कोई अच्छा काम, कोई वर्कर अच्छा काम करता है आपके अंडर में, तो आप उसको जरूर उसको बोलिए कि भाई बहुत बढ़िया काम किया तुमने, और जहां तक उसको प्रमोट कर सके या किसी अवार्ड के लिए उसको रिकमेंड कर सके तो करना चाहिए. सेट स्मॉल मेजरेबल गोल्स. छोटे छोटे जो है आप उनको काम बताइए अपने वर्कर को, उससे भी उनको एक मोटिवेशन मिलता है. एकदम ऐसा टिपिकल वर्क मत दे दीजिए तो पहले ही परेशान हो जाए, तो काम करने में घबरा जाए. तो छोटे छोटे काम उनको करके टुकड़ों में तोड़ते हुए काम दीजिए. सेलिब्रेट रिजल्ट्स. जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उनके साथ मिल करके सेलिब्रेशन कीजिए, इससे मोटिवेशन होता है. स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपनी, और लोगों को भी प्रोत्साहित करिए पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए. ये भी एक मोटिवेशन का काम करता है. स्टे फ्रेंडली, उनसे एकदम फ्रेंडली बात करिए. उनका बॉस बन के बात मत करिए कि एज ए बॉस हैं आप, तो ये भी एक मोटिवेशन करता है कि भाई हमारे साथ फ्रेंडली रहते हैं साहब हमारे, तो वो आपके लिए कभी भी कैसे भी काम करने के लिए तैयार रहता है. टेक रेगुलर ब्रेक्स, छोटे छोटे ब्रेक्स बीच बीच में लेते रहने चाहिए. स्टे हेल्दी, और आप भी हेल्दी रहिए और अपने स्टाफ को भी स्वस्थ रहने की सलाह दीजिए हमेशा, क्योंकि शरीर ही एक ऐसा है जो कि हमेशा आपका साथ देगा. अगर स्वस्थ रहेंगे तो आप काम भी अच्छा. आगे जानते हैं. देयर इज ओनली वन थिंग विच इज सर्टेन. एक चीज या हर जगह कहीं भी एक चीज निश्चित है, और वो है चेंज. चेंज होना ही है, और
जो भी सुपरवाइजर है अगर चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो सक्सेसफुल रहते हैं, हमेशा अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। इसलिए चेंज को देखिए, आइए समझते हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज। चेंज किस तरीके के होते हैं पहले देखते हैं। चेंज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं आज DLW में, और DLW भी एक प्रकार से चेंज होकर के नाम आज BLW हो गया, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कहें कि नहीं भाई DLW नाम अच्छा था और नहीं हम तो DLW में ही काम करेंगे, तो ऐसा नहीं। अब BLW नाम हो गया उसमें चेंज करें। चेंज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स का मतलब कि ढेर सारे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे WDP1, WDP2, WDG4, इस तरह तमाम हमारे प्रोडक्ट हैं। तो अगर ऐसा नहीं कोई सुपरवाइजर इस तरह से हो कि केवल नहीं सर हम तो केवल WDP2 बनाते थे या WDG2 बनाते हैं बस वही बनाएंगे, या WDM2 बनाते थे पुराना मॉडल हाँ वही बनाएंगे साहब, अब तो नए वाला जो है WDG3 या WDG4, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल लोको पे चले गए, WDP7 ये सब बना रहे हैं, नए इलेक्ट्रिकल लोको बना रहे हैं। तो अगर कोई सुपरवाइजर इस तरीके से कहता है कि नहीं हम ये साहब दूसरा काम नहीं करेंगे तो वो फेलियर हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। चेंज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम, अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम में भी अगर कोई चेंज होता है, कभी कोई टारगेट ज्यादा मिलता है, कभी 200 लोगों का होता है, कभी 300 लोगों का, तो उसको भी सुपरवाइजर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक सर हम तैयार है काम करने के लिए। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। पहले कन्वेंशनल मशीन पे काम करते थे, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, CNC टेक्नोलॉजी आ गई या मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोई आ गई, तो उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चेंज ऑफ वर्क कल्चर, वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग कल्चर या वर्किंग एनवायरनमेंट अगर चेंज होता है तब भी सुपरवाइजर को हमेशा तैयार रहना चाहिए डिफरेंट वर्किंग कल्चर में काम करने के लिए या वर्किंग एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि नहीं साहब हम तो AC एनवायरनमेंट में काम करते थे, अगर किसी का इंस्पेक्शन में अगर कोई सुपरवाइजर है कल को अगर उसका ट्रांसफर हो गया वर्कशॉप में तो कहे नहीं साहब हम तो AC चैम्बर में काम करते थे इंस्पेक्शन रूम में, मैं वही काम करूंगा यहाँ नहीं कर पाऊंगा, तो वो नहीं चल पाएगा। ठीक। चेंज ऑफ बैंड, टीम मेंबर्स, बॉस, अलग कई बार चेंज उनके टीम में जो उनके अंडर में जो आदमी काम करते हैं वो चेंज हो जाते हैं, टीम मेंबर्स चेंज हो जाते हैं, बॉस चेंज हो जाते हैं, तो आपको अलग अलग तरीके से भी हर आदमी के साथ काम करने में आप सुपरवाइजर्स को माहिर होना चाहिए, और अगर चेंजेस आते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। चेंज इन कस्टमर रिक्वायरमेंट, अगर कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट में कोई चेंज होता है तो उसको भी उसी हिसाब से चेंज करना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत से मैं एग्जांपल दूं कि कई कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और फेल हो गए। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल था है अभी भी नोकिया, नोकिया फोन जब शुरू शुरू में आया तो बहुत ही पॉपुलर हुआ और मार्केट में छाया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे एंड्रॉयड फोन आना शुरू हुआ उन्होंने अपना वर्जन चेंज किया नहीं और उसी पे चलते रहे, तो एंड्रॉयड फोन वो किया नहीं, और दूसरे फोन जो आ गए सैमसंग और इस तरीके से तमाम फोन आए, उन्होंने एंड्रॉयड वर्जन पे काम किया और वो फोन सक्सेस होते चले गए, नोकिया फेलियर हो गया, मार्केट से एक गायब हो गया। इसी तरीके से फिएट कार का भी देखिए, जब मारुति आई तो फिएट ने अपना कोई चेंजेस नहीं किया, मारुति कम दाम में लेकर के आया कार और एवरेज अच्छा था उनका, फिएट ने कोई चेंजेस नहीं किया, धीरे धीरे फिएट कंपनी बंद हो गई, बैठ गई, उतना वो सक्सेस नहीं हुए फिएट वाले। इस तरीके से चेंजेस जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो उसको भी चेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। बी अलर्ट टू फर्स्ट साइन ऑफ चेंज, जो भी आप अगर देखते हैं फर्स्ट साइन किसी चेंजेस का तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। सुपरवाइजर हमेशा चेंज के प्रति हमेशा अलर्टनेस रहेगी, वही सुपरवाइजर सक्सेस हो पाएंगे। सडन चेंज कैन बी मैनेज्ड, जो सडन चेंज होते हैं वो मैनेज हो जाते हैं, लेकिन स्लो चेंज गेट अननोटिस्ड एंड हार्म्स, जैसे स्लो हीटिंग ऑफ वाटर एंड फ्रॉग। एक है अगर हम मेंढक को पानी में गर्म पानी में उसको डाल दें
तो क्या होगा, मेंढक तुरंत उस बीकर में या किसी बर्तन में अगर उसको गर्म पानी में डालेंगे तो क्या होगा, कूद के बाहर निकल जाएगा और अपने आप को सेव कर लेगा। लेकिन उसी बीकर को अगर हम या बर्तन को गर्म करते रहें धीरे 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 और उसमें मेंढक पड़ा हो, तो वो धीरे धीरे उसी में वो अपना रहता जाएगा धीरे धीरे, और वो फाइनली जब टेम्परेचर एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो मर जाएगा। इसलिए स्लो चेंजेस हार्मफुल होते हैं कभी कभी, तो इसके लिए भी अलर्ट रहना चाहिए हमेशा। एंटिसिपेट द चेंजेस अराउंड यू एंड प्लान फॉर इट। और जैसे जैसे चेंज हो रहा है अगर हमारे अराउंड, तो हमें उसको हमेशा उस पर एकदम पैनी नजर रखनी चाहिए और उसी के हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए और अपने आप को बदल लेना चाहिए, तभी सक्सेस हो सकते हैं। बिगेस्ट एनिमी ऑफ फ्यूचर सक्सेस इज पास्ट सक्सेस। हमारा क्या है इसका क्या मतलब हुआ, बिगेस्ट एनिमी ऑफ फ्यूचर सक्सेस इज पास्ट सक्सेस, मतलब हम बहुत से कारखाने में जो वर्कर्स होते हैं कहते हैं साहब हम तो 20 साल से ऐसे ही काम करते चले आ रहे हैं और आप आए हैं आज हमको, आप नया नया काम बता रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं काम करने के लिए, तो वो उस तरीके का एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं चलता और वो लास्ट में फेलियर हो जाता है। इसलिए ये कहना कि नहीं हम पहले ऐसे करते थे और अब मतलब कोई चेंज, तो इसलिए सुपरवाइजर को हमेशा चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है या जो भी नया सिस्टम आता है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। डू नॉट अलाउ रूटीन टू चेन यू, मतलब ऐसा ना हो कि वो आप उसी चेन में बंधे रहे, पुराने जमाने के काम जिस तरीके से तौर तरीके उस तरीके से आप काम कर रहे हैं और उसी तरीके से आप काम करते रहें, तो जो दूसरा व्यक्ति है या जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है दूसरी फर्म है वो सक्सेस हो जाएंगे और आप फेल कर जाएंगे। चेंज ऑफर्स यू एन अपॉर्चुनिटी, इट इज फॉर यू टू स्पॉट एंड ग्रैब बिफोर अदर्स डू इट। कीप योरसेल्फ अपडेटेड, हमेशा अपने आप को हर सुपरवाइजर को अपडेटेड रखना चाहिए किसी भी फील्ड में, चाहे टेक्नोलॉजी में हो चाहे और जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं काम कराने की, उसमें हमेशा अपडेट रहना चाहिए। डू नॉट चेंज योर कोर वैल्यूज, और अपनी कोर वैल्यूज को नहीं बदलना चाहिए। कोर वैल्यूज मतलब जैसे आप ऑनेस्टी हुआ, हार्ड वर्क हुआ और कैरेक्टर्स हुए, ये सब चेंज नहीं करना चाहिए, जो आपका है वो रहना चाहिए। कोर वैल्यूज को चेंज न करें। व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, चेंज टू स्टार्ट फ्रॉम यू, हमेशा चेंज जो भी बदलाव लाना है वो अपने आप से शुरू करिए, तभी दूसरा आदमी भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर जैसे आप अगर टाइम से आते हैं तो दूसरा भी आदमी आपको देख करके टाइम से आएगा, अगर आप ही टाइम से नहीं आएंगे तो दूसरा व्यक्ति भी आपके जो अंडर में जो स्टाफ है या वर्कर्स हैं वो लोग भी टाइम से नहीं आएंगे। इसलिए जो काम आप करते हैं उसी को आपके जो अंडर स्टाफ होता है वो फॉलो करते हैं। चेंज अपने आप से शुरुआत करिए। सेटिंग गोल्स एंड प्रायोरिटीज, अपने गोल्स बनाइए, प्रायोरिटीज डिसाइड करिए और आगे बढ़िए। टीम बिल्डिंग, अपनी एक टीम बनाइए काम करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि किस एरिया में कहाँ पे कौन सा आदमी काम करता है, अच्छा काम करेगा, तो उस हिसाब से अपनी टीम बिल्डअप करिए और अपना आउटपुट में योगदान दीजिए। मेक योर टीम वर्क, फिर उस टीम को मतलब काम करने के लिए प्रोत्साहित करिए। कंसिडर अपॉर्चुनिटी इन एवरी प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम्स तो बहुत ढेर सारी आती हैं, हमेशा प्रॉब्लम आती रहती हैं, तो आप उन्हीं में अवसर ढूंढिए कि हाँ कोई अच्छी चीज उन्हीं से सीखिए, अच्छी चीज उसी में से निकालिए और प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए वहीं। लर्न लेसन फ्रॉम एवरीडे इश्यूज, हर दिन जो आप काम करते हैं कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है उससे, और सीखिए, हमेशा सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लोग लास्ट तक लोग सीखते रहते हैं। तो यहाँ पर दो फिल्मों का उदाहरण दिया है, लगान एंड शोले। लगान से देखिए बहुत अच्छी हमको सीख मिलती है, इसमें भुवन आमिर खान जो था एक गाँव का किसान था और
किस तरीके से उसने एक क्रिकेट की टीम गांव वालों की बिल्डअप की और लगान से बचने के लिए, उसको ये मालूम था कि भाई क्रिकेट और इंग्लैंड की टीम के खिलाफ जो है उसने अपनी टीम बनाई और मैच को जीता और गांव को लगान से बचाया, लेकिन न कभी वो क्रिकेट खेला था वहां, उसके गांव वालों ने कभी क्रिकेट का नाम ही नहीं सुना था। धीरे 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 करके उसने काम किया और टीम बिल्डअप की और मैच जीत करके दिखाया और लगान से गांव वालों को बचाया। इसी तरीके से शोले है, शोले से भी बहुत सी बातें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं। उसे कहते हैं कब जो डर गया सो मर गया, तो कभी भी डरिए नहीं। और तमाम से कई सीखें, जहां से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है आप वहां से अच्छी चीज सीखिए। एनकरेज क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी जो भी अच्छा काम करते हैं आपके स्टाफ जो, उसको हमेशा प्रोत्साहन कीजिए। ऐसा नहीं कि अरे उसको हतोत्साहित करें, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, बेकार है, इस तरीके से नहीं। कोई भी अगर नया काम करता है उसको हमेशा एनकरेज करिए, बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, इसको और अच्छे से करो। तो उससे क्या होता है, एनकरेजमेंट मिलता है लोगों को, आपके स्टाफ को, और वो और अच्छा काम करता है। कम्युनिकेट बेटर, कम्युनिकेशन बेटर, कम्युनिकेशन ये भी एक सुपरवाइजर के लिए एक बहुत ही बढ़िया ये वो है, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन एक बहुत अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। तो कम्युनिकेट ऐसा करना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ रहा है जो आप बोल रहे हैं, वो बात आपका सामने वाला समझ गया कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ कहा और सामने वाला आपका कुछ समझ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए जिससे कि जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो मैसेज सामने वाला समझ रहा है। लीड फ्रॉम फ्रंट, और कोई भी काम हो उसको आगे बढ़ करके आप लीजिए, एक्सेप्ट करिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी कोई आदमी कह रहा है कि कोई चैलेंजिंग वर्क दे रहा है तो आप जो है अगल बगल झांकने लगे, नहीं ऐसा नहीं, वो सुपरवाइजर फिर फेल कर जाते हैं। तो आगे बढ़ करके काम को, चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए। अ लीडर नोज हाउ टू मैनेज फेलियर, लीडर को पता है कैसे जो है फेलियर से निपटना है, कैसे हम फेलियर्स कैसे मैनेज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फेलियर्स आने पे घबरा जाते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो फेलियर से घबराते नहीं, उनसे सीख लेते हैं, लर्न फ्रॉम फेलियर्स, जो भी फेलियर्स से भी वो सीखते हैं कि क्या कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई, आगे हमें क्या करना है और अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। नेवर गिव अप, कभी भी किसी हताश नहीं होना है और कभी भी किसी चीज को छोड़ना नहीं है, मतलब लगे रहना है, ऑलवेज हार्ड वर्क, लगे रहिए और काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। What gives 100% success in life? Luck, money, hard work, knowledge, leadership, attitude. देखिए अब अगर हम जो ए बी सी डी लेटर्स को अगर हम नंबर से डिनोट कर दें, देखिए क्या बनता है। हार्ड वर्क कितना परसेंट जो है देता है, 98% आपके सक्सेस में योगदान कितना रहता है हार्डवर्क का, 98%। नॉलेज का 96%, अगर आप नॉलेजबल हैं तो वो आपके सक्सेस में 96% आपका कंट्रीब्यूट करता है। लव 54%, लक कंट्रीब्यूट करता है 47%, देन व्हाट मेक्स 100%, इज इट मनी, नो, मनी कितना सक्सेस, कितना आपको कंट्रीब्यूट करता है आपके सक्सेस में, 72%, लीडरशिप, नो, लीडरशिप कितना कंट्रीब्यूट करता है, 89%, Every problem has a solution only if we perhaps change our attitude. Attitude kitna 100%. Okay, attitude hamare success mein 100%
योगदान देता है। अगर हमारा एटीट्यूड किसी भी कार्य के लिए अगर पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हम रखते हैं तो वो समझिए कि कार्य हो गया। अब इट इज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड वर्क दैट मेक्स अवर लाइफ 100%। अब आइए हम थोड़ा सा स्मार्ट कुछ काम करने के तरीके पर बात करते हैं। देखिए आजकल अब हम लोग सब डिजिटलाइजेशन पे जा रहे हैं, तो जो भी अगर हम लोग सुबह मेल्स वगैरह जो आती है या व्हाट्सएप है, तो सुबह सुबह हम लोगों को मेल या व्हाट्सएप नहीं चेक करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि इनको हम जनरली सेकंड हाफ में इसको चेक करें। डोंट चेक द ईमेल्स एंड व्हाट्सएप फर्स्ट थिंग। योर ब्रेन गेट्स ओवरवेल्म्ड विद इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज एंड योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स स्टार्ट्स टू स्लिप। इसलिए जनरली ईमेल्स एंड व्हाट्सएप जो है सेकंड हाफ में जो है चेक करें। लीव ईमेल्स टू अर्ली इन द आफ्टरनून। प्रायोरिटाइज टॉप थ्री गोल्स। प्रायोरिटाइज योर टॉप थ्री गोल्स फॉर द डे। यू कैन रिमेंबर थ्री थिंग्स टू डू इन अ डे रिलेटिवली इजीली। तीन गोल आप बनाइए, कोई एक दिन भर के जो बड़े आपको काम करने, कोई तीन काम आप सोच लीजिए दिन भर में, वो बड़े काम कंप्लीट करिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि थ्री थिंग्स हम जो है रिलेटिवली बहुत इजी वे में हम लोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आप करना चाहेंगे छोटे काम तो कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े कोई अगर तीन काम से ज्यादा अगर आप करते हैं तो वो उतने अच्छी तरीके से पूरे नहीं कर पाते। इसलिए जनरली एक दिन भर में तीन काम, जो मेजर बड़े बड़े तीन काम आप लीजिए, उनको कंप्लीट करिए। मीटिंग, आजकल स्टैंड अप मीटिंग का चलन हो गया है कि आप खड़े खड़े जो है मीटिंग लीजिए कहीं भी अगर काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है, समय की बचत होती है। अगर आप बैठ के मीटिंग करते हैं तो आराम से थोड़ी देर बैठते हैं, लोग बातचीत करते हैं, चाय वाय पीते हैं, तो उसमें टाइम वेस्टेज ज्यादा होता है। इसलिए स्टैंड अप मीटिंग करें, तुरंत इंस्ट्रक्शन दें और काम पर निकल जाए। ऑन एवरेज 34% लेस टाइम देन स्टैंड अप मीटिंग। मतलब स्टैंड अप मीटिंग में 34% समय कम लगता है। सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, इंजूरियस टू हेल्थ। जैसे स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ है, वैसे ही बैठना भी, ज्यादा देर तक बैठना भी जो है इंजूरियस टू हेल्थ। वॉकिंग मीटिंग, नीड टू ग्रैब अ फ्यू एक्स्ट्रा स्टेप्स रीच 10,000। से आप वॉकिंग मीटिंग करिए, इससे भी मतलब आप आजकल 10,000 स्टेप चलने का, दिन भर में एक आदमी को 10,000 स्टेप चलना चाहिए, वहां भी आप योगदान मिलता है, चलने से आप स्वस्थ रहेंगे। इट इम्प्रूव्स फिटनेस एंड कीप्स एनर्जेटिक। आपको फिट रखेगा और एनर्जेटिक आप रहेंगे अगर चलते चलते आप काम करते हैं। अलाउ योर ब्रेन टू रिचार्ज। अपने ब्रेन को रिचार्ज करते रहिए, छोटे जिस कामों को छोटे छोटे में ब्रेकअप कर लीजिए, ब्रेक करके और बीच बीच में जब भी आपको मौका मिले थोड़ा सा रेस्ट करिए और फिर काम शुरू करिए। जैसे जनरली हमारा जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप बहुत कंसंट्रेशन वाला काम कर रहे हैं तो बहुत 45 मिनट तक बहुत कंसंट्रेशन में, ज्यादा ज्यादा एक घंटा, बस इससे ज्यादा नहीं, फिर आप थोड़ा सा आराम करिए फिर काम करिए, पाँच मिनट का ब्रेक लीजिए फिर काम शुरू करिए। तो इस तरीके से ब्रेन को बीच बीच में रिचार्ज करते रहिए। रेस्पेक्ट द अटेंशन स्पैन। जो आप मतलब वही 45 मिनट का एक स्पैन बना लीजिए, 45 से 50 मिनट का, उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक लीजिए फिर काम करिए, फिर इस तरीके से करेंगे तो आपको फ्रेश महसूस होगा। टेक ए नैप, थोड़ी देर के लिए आराम, हल्का आँख बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स होइए, काम करिए। बी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए। अगर खुश रहेंगे तो काम करने में भी मन आपका लगेगा और आप एनर्जेटिक फील करेंगे और अच्छा काम करेंगे। प्रायोरिटाइज योर टास्क। टास्क जो भी आप काम करते हैं उसकी प्रायोरिटी बना लीजिए, कौन सा काम कब खत्म करना है, और टालने की प्रवृत्ति छोड़ करके उसको और टाइम उसकी फिक्स कर दीजिए कि इस टाइम पे हमको काम को खत्म कर लेना, और उस टाइम पे पूरी कोशिश करिए कि वो काम खत्म हो जाए। मतलब ये नहीं कि अगर चलो आज नहीं किया अभी कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, टालने वाली प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी।
थिंक अबाउट डिफरेंट वेज टू हैव योर मीटिंग्स, अपनी मीटिंग्स का जैसा कि बताया कि कैसे, और डिफरेंट वेज आप सोचिए कि मीटिंग्स और कैसे ली जा सकती हैं. गेट मूविंग मतलब हमेशा चलते फिरते रहिए. थिंक अबाउट व्हेन यू डू योर बेस्ट थिंकिंग एंड सेव दैट फॉर डिसीजन मेकिंग, और उसको डिसीजन के लिए आप अपना उसको रिकॉर्ड कर लीजिए कहीं. कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी कभी अच्छा सोच लेता है, कभी किसी को टॉयलेट में बढ़िया ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, तो वहां से जो कुछ मिलता है उसको रिकॉर्ड करें और बाद में उसका इस्तेमाल करें. शेड्यूल प्रोजेक्ट एंड कंसंट्रेशन टाइम इन योर कैलेंडर, आप मेंटेन रखिए कैलेंडर में. आप अपना कोई भी काम करना है, इस डेट को क्या काम करना है, कौन सा काम कब करना है, एक शेड्यूल बना लें और उसी के हिसाब से काम करें. थिंक अबाउट इफ यू कैन रियली मल्टी टास्क, अगर आप मल्टी टास्क कर सकते हैं सोचिए जरूर कि एक साथ कई काम करना है. मैंने कई लोगों को देखा है आजकल फोन पे भी बात करते रहते हैं, इधर कंप्यूटर पे टाइप करके अपना लेटर भी टाइप करते रहते हैं, या आप मशीन, कुछ मशीनें ऐसी हैं जो कि दो मशीन एक साथ चला सकते हैं, तो सोचिए अगर चला सकते हैं तो चलाइए. मल्टीटास्किंग करना चाहिए, लेकिन ये है कि कभी कभी मल्टीटास्किंग जो है बहुत फायदेमंद नहीं रहती है. जो कर सकता है वही, जैसे कई जगह हमने देखा है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा, मल्टीटास्किंग में काम आप कर लेंगे. टेक योर वेकेशन टाइम, और हमेशा मतलब जैसे आप हमेशा छुट्टी मत लीजिए, एक स्पैन मतलब के बाद आप एक महीना दो महीने के बाद थोड़ा कुछ दिनों के लिए छुट्टी लीजिए, और वीकेंड या वीकेंड जैसे कहते हैं कि बीच में कहीं कहीं जाते रहना चाहिए, एक हफ्ते के बाद कहीं एक दिन दो दिन घूम आए, तो उससे आदमी रिचार्ज हो जाता है, फिर और उत्साह से काम में लगता है. एक दो महीने के बाद जरूर छुट्टी लेनी चाहिए, दो चार दिन लेकर के कहीं घूमने जाना चाहिए. रिकॉग्नाइज योर अकम्प्लिशमेंट, जो आप अपनी जो आपकी खूबियां हैं उनको भी आप पहचाने और उसके हिसाब से काम करिए. बिलीव वेयर अदर डाउट, वर्क वेयर अदर रिफ्यूज, से वेयर अदर वेस्ट, से वेयर अदर क्विट एंड यू विल विन वेयर अदर लूज. एक छोटी सी कहानी है, देखिए. थिंक हायर मतलब हमेशा ऊंची सोच रखिए. A man saw a poor boy looking at his beautiful and expensive car. He offered the boy a drive. After the drive, the boy said, "Your car is so marvelous. It might be so expensive. How much does it cost?" Man said, "I don't know. My brother has gifted it to me." Boy, wow, so nice of him. Man, I know what you are thinking. You also want to have a brother like him? Boy, no. I want to be a brother like him. तो लड़के ने कहा कि नहीं, मैं वैसा भाई बनना चाहता हूं जो कि वो कार गिफ्ट कर सके. मैं वो नहीं चाहता कि मुझे कोई गिफ्ट करे, मेरा भाई हो और मुझे कोई गिफ्ट. नहीं, मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं उसके भाई की तरह बन सकूं. मॉरल क्या है कहानी का कि ऑलवेज थिंक एक्ट हायर देन द पीपल्स एक्सपेक्टेशन, तभी आप जीवन में सक्सेस होंगे. थैंक यू.